वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है ये फॉर द फर्स्ट टाइम 1850 में हुई थी। और कौन से सेल में? इन मसल सेल्स। 1850 में इन मसल सेल्स में सबसे पहले इसको देखा गया था, ठीक है। और इसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो देखा गया तो ये एज अ ग्रेन्यूल इसको देखा गया था। अब अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन देखते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे है, तो याद रखिए दिस इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकेरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकेरियोटिक सेल्स। क्लियर हो गई ये बात। एक क्वेश्चन ये है कि कहां पे ये एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहां पे नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली एब्सेंट इन मेच्योर आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स जब मेच्योर होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया लॉस हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि उसमें जो हीमोग्लोबिन है, या आप ऐसे समझ लें कि ये सेल ऑक्सीजन कैरी करता है, तो अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस होगा तो फिर ये ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता। ये इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन में भी, बट ये इतना याद रखें यहां पे कि यंग आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, और जब ये आरबीसीज मेच्योर हो जाए तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, ये लॉस हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए जरा गौर से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास शेप के लिहाज से इसमें वैरायटी ऑफ शेप्स है। रॉड शेप भी है, वेसिकल्स भी है, फिलामेंटस भी है, तो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, वैरायटीज इसकी शेप की बहुत ज्यादा है। आप ये याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब ये डबल मेम्ब्रेन कौन से हैं और कैसे हैं? अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें ना डबल मेम्ब्रेन की, ये जो मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी कंपोजिशन सिमिलर एज दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट शेप के लिहाज से जो डबल मेम्ब्रेन है इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा दैट आउटर मेम्ब्रेन विल बी अ स्मूथ मेम्ब्रेन, और जो इसका इनर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन इसका क्या होगा, ये इनफोल्डेड होगा। तो अब इसको देखने के लिए स्ट्रक्चर समझना इंतहाई जरूरी है। स्ट्रक्चर को जरा समझे, गौर से देखें मेरी तरफ, ये देखते जाएं। ये आपके पास यहां माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर इनफोल्डेड मेम्ब्रेन। अब इस इनफोल्डेड मेम्ब्रेन में देखें तो इस एक फोल्ड को अगर मैं देखूं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्रिस्टिया। इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टिया कहा जाता है। क्लियर। दिस स्पेस, ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये आपने याद करना होगा कि इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में कौन कौन सी चीजें मौजूद है, दिस इज द ग्राउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस को, एक तो ये याद रखिए कि ये मैट्रिक्स है, क्या है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? दिस मैट्रिक्स इज रिच इन डिफरेंट थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स ये मौजूद होंगे, ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होंगे, इसके अंदर मौजूद होगा को इंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होंगे, बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, क्या ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो है
ये भी इसके अंदर मौजूद है। क्लियर हो गई ये बात, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब जरा देखिए इसमें एक इस मेम्ब्रेन में आपको एक रीजन मिल रहा है, मैं सिर्फ इसको यहां रिप्रेजेंट करूं ताकि आपको याद हो, मैं इसको नाम दे रहा हूं एक्चुअली F1 पार्टिकल। क्या? F1 पार्टिकल। अब याद रखें दिस इज द रीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस इनर मेम्ब्रेन का वो पार्ट है वेयर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑकर्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो यहां पे होगा। क्लियर। एक और चीज, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल? बिकॉज इट कंटेन इट्स ऑन डीएनए एंड इट कंटेन इट्स ऑन राइबोसोम। ये राइबोसोम इसका कौन सा होगा ये भी समझना जरूरी है। राइबोसोम के टॉपिक में ऑलरेडी इसको हम पढ़ भी चुके हैं। सपोज करें मैं कह रहा हूं ये इसके अंदर अपना क्या है, डीएनए मौजूद है, और ये इसके अंदर क्या मौजूद है, राइबोसोम्स जो है ये भी मौजूद है। तो राइबोसोम जो इसका होगा वो असल में 70S है। कौन सा है? 70S राइबोसोम है। तो इसमें डीएनए अपना है, राइबोसोम भी अपना है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो भाई जो भी चीज जिसकी रिप्लिकेशन होती है और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग, जो खुद अपने आप को क्या कर रहा है, रिप्लिकेट कर रहा है। क्लियर हो गई बात। ये इस इनर मेम्ब्रेन का पूरा हाल है आपके सामने कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसा है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। अब एक है आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, तो ये देखें दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन जो के स्मूथ मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज स्मूथ मेम्ब्रेन। तो ये जनाब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपके पास डबल मेम्ब्रेन, तो इसको आप नाम दे दें आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड और आउटर मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, ये स्मूथ मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गई ये बात। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। अब याद रखिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपके पास आ जाते हैं ATPs। इसको चैप्टर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बन जाते हैं आपके पास ATPs फ्रॉम द सोर्स ऑफ कोएंजाइम। अब दो बातें यहां पे इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को सीखने के लिए, दैट व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। रिमेंबर इसके अंदर दो बातें हो रही है, दिस ATP मे बी स्टोर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें स्टोर भी हो सकता है, और यही ATP इसके अंदर जेनरेट होते हैं। इसको ऐसे सीख ले, F1 पार्टिकल है, द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर, एंड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर ATPs आर जेनरेटेड। ATPs जेनरेट होते हैं इसमें, और ATPs में क्या होते हैं, स्टोर भी होते हैं। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्लियर हो गई ये बात। सो मैट्रिक्स इज एक्चुअली द रीजन, ये जो आपके पास इनर स्पेस, ये मैट्रिक्स का जो जिक्र किया मैंने, दिस इज द रीजन विच इज इंपॉर्टेंट, या ओवरऑल आप देख लें माइटोकॉन्ड्रिया इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स, वो सारी चीजें जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, स्पेशली इसके मैट्रिक्स के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है। इसी तरह फैटी एसिड की जो मेटाबॉलिज्म होती है बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, स्पेशली फैटी एसिड की, तो ये आपके पास हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो इट जनरेट ATP, देन इट स्टोर ATP, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ अ सेल।